शिवपाल का साथ मिलने के बाद एक्शन में आए अखिलेश यादव। बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश ने बोला हल्ला। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सरकार पर हावी दिख रही है सपा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में सपा। चाचा शिवपाल का साथ मिलते ही अखिलेश यादव एक्शन में दिख रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन इसका नजारा भी दिख गया। सपा सदस्यों के हंगामे से योगी सरकार सदन में ही परेशानी में पड़ गई। सदन में साथ साथ बैठे चाचा भतीजे ने सरकार के नाक में दम कर दिया। इसके साथ ही ये भी मैसेज दे दिया कि आने वाले समय में योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा। वहीं पत्रकारों के साथ मार्शलों द्वारा दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए कहा, मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार सत्ताधारियों की हताशा का प्रतीक है। जब सत्ता पत्रकारों पर प्रहार करने लगे तो समझ लो वो सच से डर गई है। दूसरी ओर सपा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इन तस्वीरों को साझा किया और लिखा है, तानाशाह भाजपा सरकार, चौथे स्तंभ पर वार। आज विधानसभा में पत्रकार साथियों पर भाजपा सरकार के इशारे पर जो काम हुआ वो बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास है। योगी सरकार सत्ता के अहंकार में सभी को दबाने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सपा सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और विधानसभा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई थी। विधानसभा शुरू होने से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें जातीय जनगणना कराने की मांग के अलावा कानपुर देहात की घटना को लेकर भी विरोध किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने इसकी तस्वीरें लेने की कोशिश की, तभी मार्शलों ने उन्हें रोक लिया और बाहर कर दिया। इस दौरान कुछ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की कर दी और इसी की तस्वीरें सपा ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर की है। पहले ही दिन अखिलेश यादव के तेवरों से साफ हो गया है कि इस बार बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। खास तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने अब आगे बढ़ने की रणनीति बना ली है। अखिलेश को समझ में आ चुका है कि इसी मुद्दे पर NDA ही नहीं BJP में भी फूट दिखाई दे रही है और जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता जाएगा योगी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी। इसका एक नज़ारा तो पिछले 24 घंटे में ही दिख गया है, जब यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य, जो पहले जातिगत जनगणना के समर्थन का ऐलान कर रहे थे, अब अपनी बात से यूटर्न ले चुके हैं। लेकिन BJP के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल S दोनों ही अखिलेश के साथ दिख रहे हैं। अखिलेश की अपील का असर केंद्र की मोदी सरकार तक दिख रहा है। इसी के लिए अब अखिलेश यादव ने रामचरितमानस और शूद्र विवाद से भी किनारा कर दिया है। स्वामी प्रसाद को भी मैसेज दे दिया है कि रामचरितमानस विवाद पर अब कोई ऐसा बयान ना दे जिससे नया विवाद खड़ा हो। साथ ही पार्टी के दूसरे नेताओं से तो इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोशी बरतने को कह दिया गया है। सपा कार्यालय के बाहर लगे तमाम ऐसे पोस्टर बैनरों को हटा लिया गया जिस पर रामचरितमानस या शूद्र विवाद से जुड़े कोई भी शब्द लिखे थे। साफ है सपा इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग जात की राजनीति पर फोकस कर रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में सपा को फायदा तो होता है, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन का फायदा BJP भी उठा ले जाती है। और इस समय यूपी में सपा का मुख्य मुकाबला BJP से ही होना है, जो इस समय बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में साफ है बदली स्थिति और चाचा शिवपाल का साथ मिलने के बाद अब अखिलेश यादव BJP के खिलाफ और मजबूती से निशाना साध रहे हैं और जल्दी इसके परिणाम भी सामने दिखाई दे सकते हैं।